श्री यमुनाचार्य जी, चरित्र सब ग्रंथों में स्पष्ट है, उनकी चर्चा नहीं करनी क्योंकि समय अधिक हो जाएगा। तो जब सब कुछ त्याग कर भगवान श्री रंगनाथ की शरण में गए और अत्यंत दैन्य भाव से, कार्पण्य भाव से भगवान का स्तवन करने लगे, और भगवान तो भगवान हैं, श्री रंगनाथ भगवान श्री विग्रह रूप में पौढ़े हैं, पौढ़ा नाथ ही हैं, शेष सैया पर पौढ़े हुए हैं ठाकुर जी। दक्षिण में आपने जाकर श्री रंगम में दर्शन किया होगा, भगवान रंगनाथ भगवान पौढ़े हुए हैं, इसलिए प्रेमी लोग उनको पौढ़ा नाथ कहते हैं, पौढ़े रहते हैं। पर भावुक भक्तों की दृष्टि तो अलग प्रकार की होती है। उन्होंने कहा, अरे हम इतने रोए गिड़गिड़ाए, शरणागति की बात कही और ये आनंद से पड़े हैं, न हिल रहे हैं, न डुल रहे हैं, न आँख मटका रहे हैं, न नाक मटका रहे हैं, एक नेक होठ फरका दें, मुस्कुरा दें, बोले नहीं, कम से कम मुस्कुरा तो दें हमारी ओर देख करके, अपनी कृपा कटाक्ष से हमको देख तो लें एक बार, ये तो पौढ़े हैं तो पौढ़े हैं। तब उन्होंने विचार किया कि दोष क्या है, क्यों भगवान की करुणा में, भगवान की कृपालुता, दयालुता, भक्तवत्सलता, शरणागतवत्सलता, उसमें कहीं कोई कोर कसर हो ही नहीं सकती। तो ठाकुर जी हमारे भाव को स्वीकृत नहीं कर रहे हैं, हमको अनुभूति नहीं करा रहे हैं कि हमारी प्रार्थना स्वीकृत हुई, इसके मूल में हमारा ही कोई दोष है। और महाराज जी, ये बात बहुत ऊंची बात है, जब हम अपने दोष को स्वीकार कर लेते हैं और आत्मनिरीक्षण करते हैं तो फिर वो दोष छिप कर रह नहीं सकता, वो सामने आ जाएगा। तो श्री यमुनाचार्य जी की समझ में आया कि हम भगवान की शरणागति तो कर रहे हैं पर किसी भक्त के संबंध का स्मरण नहीं करा रहे हैं, क्योंकि भक्त संबंध से ही भगवत शरणागति होती है। अब जिन आचार्य के माध्यम से आपका ब्रह्म संबंध हुआ, वो भगवत शरणागत भक्त हैं कि नहीं, वो वैष्णव हैं कि नहीं, किसी मत संप्रदाय के हों, वैष्णव हैं, भगवदीय हैं। वैष्णव के संबंध से, भक्त के संबंध से, संत सद्गुरु के संबंध से ही भगवान की शरणागति होती है। तो हम भगवान को संबंध का स्मरण करावें तो शरणागति का स्मरण हो, हम आपके पास जाएं और आप हमें पहचाने नहीं, तब हम क्या करेंगे? तब हम यही करेंगे कि आपका कोई अत्यंत प्रिय अंतरंग कोई महानुभाव होगा, उस महानुभाव की याद दिलाएंगे, अरे आप भूल गए शास्त्री जी, आपके तो अमुक बड़े अंतरंग बड़े प्रेमी हैं, वही सबसे पहले हमको आपसे मिलाने लाए थे। हाँ, अब याद आ गया कि हाँ, आप पहली बार हम उनके साथ हमारे पास आए थे। अरे फिर तो क्या कहना, फिर तो आओ आओ, बैठो बैठो, कुछ ठंडा पियो, गर्म पियो, जो कुछ भी हो, औपचारिकता उसके बाद होती है। तो ऐसे ही भगवान के सामने उनके किसी प्राण प्यारे भक्त की याद दिलानी पड़ती है। याद नहीं दिलाओगे तो वो बात नहीं करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, भगवत संबंध उद्धव जी को प्राप्त न होता तो क्या ब्रजवासी उद्धव जी से वार्तालाप करते, बने रहो ज्ञानी, बने रहो बृहस्पति के साक्षात शिष्य, उन्हें क्या प्रयोजन है? पर ये श्री कृष्ण के द्वारा भेजे हुए हैं, श्री कृष्ण के सखा हैं, श्री कृष्ण ने अपना स्वरूप श्रृंगार देकर भेजा है, भगवान ने भेजा, इसलिए कितना आदर करते हैं। गोपियों ने अपना उत्तरी, अपनी ओढ़नी बिछा दी उद्धव जी को बैठने के लिए। आप विचार करो कितना बड़ा सम्मान है। ये सम्मान उनकी पंडिताई का, उनके शास्त्र ज्ञान का नहीं है, ये सम्मान है भगवत संबंध का, श्री कृष्ण संबंध का सम्मान है।
तो श्री यमुनाचार्य जी ने कहा, देखो हम ऐसे वैसे शरणागत नहीं है, तुम कान खुलकर सुन लो। कैसे शरणागत हैं जानते हो? हमारे पूज्य गुरुदेव ईश्वर मुनि और उनके पूज्य गुरुदेव श्री नाथ मुनि, तो श्री नाथ मुनि का आपके प्रति वात्सल्य भाव था और उन नाथ मुनि ने अनंत कोट ब्रह्मांड नायक वैकुंठ नाथ पौढ़ा नाथ को अपने गोद में खिलाया है। मैं उनका नाती चेला हूं और जिन ईश्वर मुनि ने आपको प्रत्यक्ष लाड़ लड़ाया है मैं उनका शिष्य हूं। कहते जैसे ही दादा गुरु और गुरु दो का स्मरण कराया, श्री रंगनाथ भगवान शेष पर्यंग से उठ के बैठ गए और अपनी आजानुलंबित भुजाओं में भर लिया, यमुनाचार्य को हृदय से लगा लिया, कहा अब आगे मत बोलो तुम मेरे हो, अब आगे मत बोलो, हम सहेंगे नहीं। अब ठाकुर जी के सामने जाओ तो अपनो परिचय मत दो, परासोलीते जाओ तो कहो हम सूरदास बाबा के गांव के हैं, हैं? तो सूरदास जी के नाम से ठाकुर जी जरूर अंगीकार करें, करेंगे कि नहीं? मेड़ता से आओ तो हम भक्तिमती मीराबाई के गांव के हैं, तो मीराबाई का नाम सुन के ठाकुर जी को स्वीकार करना पड़ेगा। भक्त संबंध की स्मृति, ये गुरु परंपरा का भगवान के सामने पाठ स्मरण क्या है? पुरानी परंपरा है, आचार्य परंपरा का स्मरण भगवान के सामने किया जाता, फिर भगवान को साष्टांग प्रणाम किया जाता, ये भी एक पद्धति है। इस पद्धति का प्रयोजन क्या है? इसका प्रयोजन यही है कि भगवान से ये कहना कि हम प्रपन्नों से विमुख नहीं हैं, हम प्रपन्न परंपरा के बालक हैं, आपको इन इन आचार्यों की प्रपत्ति का स्मरण करके मुझ अनधिकारी जीव को भी आपको अंगीकार करना ही पड़ेगा और नहीं तो इन सबका तिरस्कार हो जाएगा। अब आप देख लो आप क्या करना चाहते हैं। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।